एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। रिसेंटली एक वीडियो कंतारा नाम से जो है वो मूवी रिलीज हुई थी, और उस मूवी का जो है वो मतलब वो तो काफी अच्छी थी, लेकिन आज हम उससे रिलेटेड देखेंगे कि उसके पीछे जो हिस्ट्री है, बेसिकली किस हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो बनाई गई है। तो आज हम कंतारा मूवी से जो पीछे जो उसकी स्टोरी है, रियलिटी जो है बेसिकली जिसकी बेस पर उन्होंने बनाई है मूवी, तो वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ब्लडी जो है ये चैनल ब्लडी सत्या के नाम से चैनल है, उनकी वीडियो हम देखने वाले हैं। भूता कोला, व्हाट इज भूता कोला, कंप्लीट रियल स्टोरी ऑफ भूता कोला। सो आज हम कंप्लीट स्टोरी सुनने वाले हैं भूता कोला की। और ये जो कल्चर है इंडिया का, स्पेशली कर्नाटका का, कनाडा का, तो वहां का हम कल्चर जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी आपने देखनी है मेरे साथ, और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर करें और कुछ डिटेल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, रिएक्शन कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई जिस फिल्म का नाम है कांतारा। मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देखे ही होगी। इस फिल्म में एक ऐसी प्रथा को दिखाया गया जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, लेकिन इसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रथा दिखाई गई है जो कि आज के जमाने की नहीं है, बल्कि आज से हजारों साल पुरानी है। शायद इसका इतिहास कभी किसी को पता ही नहीं चला कि कब से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि ये बहुत पुरानी प्रथा है जो आज भी साउथ कन्नड़ा के तुलुनाडु रीजन में बनाई जाती है। इस रीजन के लोग तुलु लैंग्वेज बोलते हैं, और इस प्रथा का नाम है भूता कोला। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, ब्लडी सत के आज के इस हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों को भूता कोला, एक ऐसी कमाल की अनोखी प्रथा के बारे में पता चलेगा जिसकी जानकारी शायद अभी तक आप लोगों को नहीं थी। भूता कोला में देवा की आराधना की जाती है, देवा यानी कि एक प्रकार के डेमीगॉड। भूता कोला के बारे में अगर आप लोगों को आसान शब्दों में समझाऊं तो भूता कोला एक ऐसी सेरेमनी यानी कि एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हर साल किया जाता है एक पर्टिकुलर परिवार द्वारा ही। एक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी भूता कोला ऑर्गेनाइज करवाता है। इस प्रथा में, इस सेरेमनी में एक इंसान होते हैं, एक पर्टिकुलर इंसान होते हैं जिनके शरीर को तेल लगाकर पूरी तरह से शुद्ध किया जाता है। देवस्थाना में ले जाते हैं और वहां पर ये भूता की आराधना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपने घर लौटते हैं। एक पर्टिकुलर जगह में बहुत बड़ा मंडप लगाया जाता है, खूबसूरत पकवान लाए जाते हैं, अच्छी अच्छी ज्वेलरी, उनके हथियार जैसे कि तलवार हो गई, सब कुछ सजाया जाता है। फिर उसके बाद से जिनके शरीर को देवा पोजेस करने वाले हैं उनको पूरी तरह से मेकअप किया जाता है, बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है, खूबसूरत खूबसूरत ज्वेलरी पहनाई जाती है। उसके बाद नारियल की जो पत्तियाँ होती हैं वो ज्वेलरी के रूप में अपने शरीर में पहनते हैं, और उसके बाद उनकी बॉडी वाइब्रेट होना शुरू होती है। उनकी बॉडी में बहुत भारी मात्रा में भी कई बार कंपन होता है। इनके जो लुक होते हैं, इनका जो मेकअप होता है, ये अलग अलग प्रकार का होता है, और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि उनके शरीर में कौन से देव आए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, कौन से देव आए हुए हैं। दरअसल देवा भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं, और हर अलग देवा की एक पुरानी हिस्ट्री, एक पुरानी ही स्टोरी है। अगर आप लोगों ने कांतारा फिल्म देखे होंगे तो इस फिल्म में दो तरह के देवा की जानकारी दी गई है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग वो देवा के बारे में बात नहीं करेंगे जिनकी जानकारी आप लोगों को फिल्म से मिल गई है। हम एक दूसरे देवा की बात करेंगे जिनका नाम होता है जुमाड़ी देवा। जी हाँ दोस्तों, जुमाड़ी देवा की स्टोरी के बारे में हम बात करें तो जुमाड़ी देवा एक ऐसे देवा थे जो कि माता पार्वती और भगवान शिव से बने थे। जी हाँ, एक बार की बात है, माता पार्वती को बहुत ज्यादा भूख लगी, भगवान शिव से उन्होंने खाने की मांग की। भगवान शिव माता पार्वती को खाना देते गए देते गए देते गए, लेकिन माता पार्वती की भूख शांत ही नहीं हो रही थी। माता पार्वती क्रोध में आ गई, और क्रोध में आकर उन्होंने भगवान शिव को ही निगल लिया। भगवान शिव का पूरा शरीर माता पार्वती के अंदर चले गया, लेकिन उनका जो शीश था वो मानो कि अटक गया मुंह के ऊपर तरफ ही। इस वजह से माता पार्वती का एक अलग ही रूप दुनिया के सामने आया।
जिन्हें धूमावती देवी के नाम से भी लोग जानते हैं। माना जाता है कि उन्हें ही जुमाड़ी देवा के नाम से तुलुनाडु रीजन में पूजा जाता है। अलग अलग देवा की अलग अलग परिवार में आराधना की जाती है। जब भूता कोला को ऑर्गेनाइज कराया जाता है तो एक पर्टिकुलर परिवार पर्टिकुलर देवा की ही पीढ़ी दर पीढ़ी आराधना करता है। वो पर्टिकुलर देवा ही एक इंसान के शरीर को पजेस करते हैं और जब वो उनके शरीर में आते हैं तो इस सेरेमनी में गांव के ढेर सारे लोग इकट्ठे होते हैं। जब भूता कोला में देवा किसी के शरीर में आए हुए रहते हैं तो उनके सामने पूरे गांव वाले अपने अलग अलग परेशानी बताते हैं, अलग अलग डिस्प्यूट्स बताते हैं और देवा उनकी परेशानी को सॉल्व करते हुए भी दिखाई देते हैं। कई सारे केसेस में देवा ने इतने बड़े बड़े चमत्कार कर दिखाए हैं जिसे समझ पाना नॉर्मल लोगों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक किस्सा बताता हूँ जो मुझे इंटरनेट के एक आर्टिकल के द्वारा पता चला। एक बार एक आदमी के घर पे सोना चोरी हो गया था। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा, काफ़ी ज़्यादा। कुछ ही समय बाद उस आदमी ने भूता कोला ऑर्गेनाइज करवाया और भूता कोला में उसने अपनी परेशानी देवा के सामने रखी। देवा से पूछा कि मैं अपनी परेशानी को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे घर से इतना सारा सोना चोरी हो गया। देवा ने उसे पूरी तरह से आश्वासन दिया और भूता कोला समाप्त हुआ। लेकिन जिस दिन भूता कोला की ये सेरेमनी समाप्त हुई उसके अगले ही दिन गांव के एक आदमी के घर पे दो बेटियां थी, वो बुरी तरह से बीमार पड़ गई, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई। वो आदमी समझ गया कि ये मेरे घर पे जो परेशानी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पाप की वजह से हुई है। दरअसल ये वही आदमी था जिस आदमी ने उस आदमी के घर से सोना चोरी किया था। उसने चुराया हुआ सारा सोना इकट्ठा किया और सोने के मालिक के पास पहुंच गया, उसके सामने रखा और लिटरली उसके पैर पकड़ के माफ़ी मांगा। जब उसने उसके पैर पकड़ के माफ़ी मांगा, अपनी गलती का उसे एहसास हुआ, तो उसके अगले ही दिन उसकी दोनों बेटियों की जो तबीयत इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो गई थी वो चमत्कारी तरीके से ठीक हो गई। ये तो केवल एक कहानी है, ऐसी कई सारी कहानियाँ भूता कोला की आप लोगों को सामने मिल सकती है। और ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये सच्ची घटनाएँ हैं जिसे कई लोग कहानियां कहते लेकिन ये बिल्कुल सच में घटा हुआ रहता है। अभी मैंने आप लोगों को जुमाड़ी देवा की कहानी सुनाया था, ऐसे ही एक और देवा की कहानी सुनाता हूँ जिनका नाम है पिली चामुंडा। एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत में बैठे हुए थे, उनके पास एक पक्षी आई। उस पक्षी ने भगवान शिव को एक अंडा दिया एक तोहफे के रूप में, क्योंकि भगवान शिव ने उस पक्षी के पति की जान बचाई थी। तो खुश होके उस पक्षी ने भगवान शिव को एक अंडा दिया। उस अंडे से कुछ समय बाद एक टाइगर का जन्म हुआ। जी हाँ, उस टाइगर को भगवान शिव के जो गण थे वो केवल बेरीज और फ्रूट्स होते हैं ना, वही खिलाते थे। भगवान शिव उस टाइगर से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहने लगे। उस टाइगर को कैलाश पर्वत के कैटल की रखवाली करने के लिए रख लिया गया। वो टाइगर उस कैटल में रहता, बेरीज खाता, फ्रूट खाता और उस कैटल की रक्षा करता। लेकिन एक बार की बात है, वो टाइगर उस कैटल में एक गाय को खा लेता है, जिस बात से भगवान शिव को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और भगवान शिव उसे पृथ्वी में भेज देते हैं। माना जाता है कि उन्हें ही तुलुनाडु रीजन में पिलीचा मुंडा देवा के नाम से पूजा जाता है। इनकी भी भूता कोला में अलग अलग परिवार में सेरेमनीज होती हैं। तुलुनाडु रीजन में कोई भी किसी के भी कैटल को नुकसान पहुंचाने की एक बार भी नहीं सोच सकता। अगर किसी ने भी किसी दूसरे इंसान के कैटल को नुकसान पहुंचाने की सोचा तो उसके घर में बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती है, क्योंकि माना जाता है पिलीचा मुंडा हर एक इंसान के कैटल की रक्षा करते हैं। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को जामुड़ी देवा और पिलीचा मुंडा देवा की कहानी सुनाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही कहानी तुलुनाडु रीजन में या फिर पूरे इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में प्रचलित है। हो सकता है आप लोगों ने इनकी कोई और कहानी सुने होंगे, क्योंकि काफी सारी कहानियां हर एक देवा की पूरी दुनिया में प्रचलित है। भूता कोला की सेरेमनी में जब किसी भी इंसान के शरीर में देवा आए हुए रहते हैं तो वो इंसान अलग अलग तरह की हरकत करता है। जैसे कई बार वो इंसान जिसके शरीर में देवा आए हुए हैं वो मशाल लेकर अलग अलग जगहों पर अपनी बॉडी का कंपन करता है। कई बार वो अलग तरह के नृत्य करते हैं, तो कई बार वो रॉ चिकन्स, नारियल, राइस ये सब कुछ खाते हैं। ये सेरेमनी तुलुनाडु के रीजन में बहुत ही ज्यादा भव्य और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। यहाँ पर जो भूता कोला शब्द होता है उसका अपने आप में ही एक मतलब है, जहाँ पर भूता का मतलब होता है स्पिरिट और कोला का मतलब होता है प्रेयर। भूता कोला के सेरेमनी में दूर दराज के इलाकों से भी कई बार यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, अपनी परेशानियाँ सामने रखते हैं और मानो की देवा से परेशानी का हल लेते हैं। उसके बाद जब ये भूता कोला की सेरेमनी ख़त्म होने वाली होती है तब ये पूरी तरह से देवा से ही संतुष्टि ली जाती है, आश्वासन लिया जाता है कि वो यहाँ पर आकर प्रसन्न हुए हैं कि नहीं,
यानी कि ये जो सेरेमनी थी ये उनको ठीक लगी है कि नहीं, और जब ठीक लगती है उसके बाद ही ये सेरेमनी को पूरी तरह से ख़त्म किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है और फिर अगले साल वापस से दोहराया जाता है। कांतारा फिल्म में भूताकोला की सेरेमनी को बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। शायद उसका 10% भी मेरे इस वीडियो में देखने नहीं मिला होगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया कि आप लोगों को जितनी ज़्यादा हो सके मैं जानकारी दूँ। लेकिन इस जानकारी देने के दौरान मुझसे अगर कोई भी गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं वही बता पाया हूँ जो मैंने कहीं से रिसर्च करके इकट्ठा किया हूँ, जैसे इंटरनेट के अलग अलग आर्टिकल से और अलग अलग किताबों से। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के अनुसार ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो। सो दोस्तों, ये था हमारा भूताकोला, और भूताकोला में आपने देखा कि किस तरह से जो है वो भूताकोला के बारे में एक्सप्लेन किया, जो कि सत्या जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है रिगार्डिंग भूताकोला। भूताकोला बेसिकली जो मुझे इस वीडियो में समझ आया है, तो भूताकोला जो है वो एक फेस्टिवल होता है, और इस फेस्टिवल में जो है वो एक मतलब एक जो है वो स्पेसिफिक प्लेस को चूज किया जाता है, मतलब सिलेक्ट किया जाता है, उसके वहां पर एक मंडप बनाया जाता है, मतलब एक पूरा वो सेटअप बनाया जाता है जहां पर एक मतलब के पूरा वो गेटअप दिया जाता है भूताकोला का। और जहां तक मुझे इस बात में समझ आई है, तो एक ये समझ आया कि इसमें महादेव जो कि शिव जी हैं उनके जिन जो है, आई एम सॉरी अगर मैं वर्ड गलत यूज कर रही हूँ, तो वैसे मुझे जो इसमें समझ आया उस तरह से वो जो है शिव जी कह सकते हैं कि शिव जी उनके अंदर मतलब समा जाते हैं, फिर उसके बाद उनके पास जितने भी लोग आते हैं जो है वो कोई परेशानी लेकर आता है या फिर कोई मुश्किलात वगैरह कोई दिक्कत होती है तो वो लेकर आते हैं, तो मतलब हर परेशानी जो है वो वहां पर लेकर आते हैं, तो वो परेशानी जो है वो उनकी सॉल्व हो जाती है वहां पर। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जाना, देखा कि भाई भूताकोला जो है वो बेसिकली है क्या, और जिस तरह से जो है इसमें बताया गया कि जो है वो हिंदू गॉडेस जो है वो शिव जी को निगल लेती हैं, और उनको भूख लग रही होती है तो उनके पास कुछ खाने को नहीं होता तो वो शिव जी को ही निगल लेती हैं। तो इस तरह का भी कुछ कॉन्सेप्ट बताया है, और उसके बाद से जो है वो इस तरह का ये जो मतलब ये कंतारा जो है मतलब भूताकोला ये सेलिब्रेट भी किया जाता है इस तरह से। मतलब अगर हम देखें तो मतलब इतनी सारी स्टोरीज उन्होंने बताई हैं, वो बच्चे वाली स्टोरी बताई है, वो चोरी वाली स्टोरी बताई है, तो मैं एट द एंड यही समझती हूँ कि इंसान को अपनी लाइफ में जो है वो चेंज करना चाहिए। मतलब अगर कोई चीज आपको बुरी लग रही है उसको अपनी जिंदगी से चेंज करना चाहिए या निकाल देना चाहिए, कोई अच्छी हैबिट है तो उसके अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड दूसरी बात मैं कहूंगी कि कंतारा जो है, कंतारा मूवी में मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो यही किया है कि कंतारा जो है वो ये बेसिकली जो कल्चर है तमिलनाडु का, ये तुलुनाडु कहते हैं ना, तो वहां पर जो कल्चर है वो बहुत 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 ज्यादा मतलब हम वास्ट कह सकते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से वो फैल चुका है, और ऐसा कल्चर जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। नो डाउट जब मैंने कंतारा देखा था तो मुझे टू बी ऑनेस्टली डिफरेंट ही कल्चर दिखने को मिला, क्योंकि इससे पहले जब मैंने मूवीज देखी थी, मुझे आज भी याद है कि हम जब 90s की मूवीज देखते थे या फिर जो है हम मतलब 2010 की वीडियोस देखते थे, तो मुझे ना उसमें वो आउट ऑफ कंट्रीज में हम देखते थे कि किस तरह से जो है ना इंडियन कल्चर को बहुत ज्यादा शो करा जाता था, रोड पे वो तमिलनाडु वाला डांस जो है वो कर्नाटका वाला डांस शो करा जाता था, मतलब इस तरह की चीजें दिखाई जाती थी। खैर आजकल तो इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिलता मूवीज में, लेकिन पहले बहुत ज्यादा हमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी, तो इंडियन कल्चर के बारे में तब हमें काफी कुछ पता चलता था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत इतना ज्यादा नहीं पता चलता क्योंकि इतना ज्यादा उसको नहीं दिखाया जाता। तो मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करूंगी ये साउथ मूवीज को कि यार ये लोग
इतने अच्छे से कल्चर, इंडियन कल्चर को एक्सप्लोर करवा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं अपनी मूवीज के थ्रू कि ये इंडियन कल्चर है, और जिस तरह से इनकी मूवीज आ रही हैं तो उससे काफी चीजें जो है वो लोगों को आइडिया होगा, और जो न्यू जनरेशन है स्पेशली उनको पता चलेगा कि उनका कल्चर क्या है, स्पेशली क्योंकि लोग तो वहां पर नहीं जाते, तो इससे ये है कि जब ये लोग मूवीज देखते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि यार हमारे इस स्टेट में ये कल्चर है और ये कितना जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं सोच रही थी अगर मैं ये वाला भूता कोला जो है मतलब गेटअप बना लूं तो सोचो मैं कैसी दिखूंगी। डिफरेंट होगा ना बिल्कुल, हाँ बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो कभी आप लोग लाइफ में भूता कोला का मतलब गेटअप किया है तो मुझसे जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर न्यू है तो प्लीज प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय।